हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सोनी एमडीआर ईएक्स 150 एमपी जो सोनी की तरफ से ईयरफोन आता है। मैं आपको बता दूं, मैंने इसे 18 अगस्त जो है 2017 को परचेस किया था और इसको जो है एक साल से ऊपर हो गए हैं लगभग, क्योंकि सितंबर चला है, 13 महीने के आसपास हो गए हैं। और मेरा इसके साथ एक साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, साउंड क्वालिटी कैसी रही, वायर क्वालिटी कैसी रही, माइक्रोफोन कैसा रहा, आवाज में कोई डिफरेंसेस आए, या जो प्रेजेंट टाइम में जो ईयरफोन आ रहा है क्या वो इसे बीट कर पा रहे हैं। मेरे साथ इस स्टूडियो में बने रहिए, मैं हूं प्रियांशु सिंह और हमारे चैनल हिंदुस्तानी 360 में मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ईयरफोन के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप काले गोरे का भेद करते हैं तो मैं आपको बता दूं, एक एक्सेप्शन है साउथर्न सूडान की, ये लड़की जिसका नाम है अनोग, ये और ये जो मोस्ट ब्यूटीफुल लिविंग ऑन अर्थ का जो इसे खिताब मिल चुका है, मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑन अर्थ का इसे खिताब मिल चुका है। और ये एक मॉडल है और ये $15,000 एक फैशन फोटोग्राफी के लिए चार्ज करती है पर आवर के हिसाब से, तो आपको मैं बता दूं ये 11 लाख रुपीस के आसपास हो गया। और मैं आपको बता दूं, अगर इससे आप भेदभाव करते हैं, रेसिज्म करते हैं, तो ये उनके मुंह पे एक तमाचा है जो लोग ऐसा जो है करते हैं। तो आइए अब चलते हैं, जो मैं आपको बता दूं मेरा एक साल का एक्सपीरियंस के साथ कैसा रहा जो सोनी एमडीआर ईएक्स 150 एपी है। मैं आपको बता दूं, ये जो मेरे साथ डिब्बा मेरे हाथ में है जिसका बॉक्स है और जो ईयरफोन है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैंने हैंग किया हुआ है अपने नेक पे। तो जो इसकी जो वायर क्वालिटी है मैं आपको बता दूं, पहले इसकी कमजोरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। वायर क्वालिटी जो है बिल्कुल ही, मैं आपको बता दूं, आपको जो है ठीक ठाक मिल जाती है, अच्छी नहीं है, फंस जाती है, टेंगल फ्री नहीं है, काफी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि भाई अगर आप कोई जल्दबाजी में है, अगर आप ये फंस गई है तो आपसे टूट सकता है, तो काफी संभाल के, मैंने इसे काफी संभाल के यूज करता हूँ। और मैं आपको बता दूं जो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है वो है 5 हर्ट्ज से लेकर 24,000 हर्ट्ज, जो काफी अच्छी है। जो SPL साउंड प्रेशर लेवल है मैं आपको बता दूं वो 103 डेसिबल है, ये भी काफी अच्छा है। और मैं आपको बता दूं इम्पीडेंस जो है 16 ओम है, ये भी काफी डिसेंट है। और जो ड्राइवर है मैं आपको बता दूं वो डायनामिक 9mm का ड्राइवर है, ये भी डिसेंट है। जब मैंने इसे परचेस किया था तो 949 रुपए में मैंने इसे खरीदा था और प्रेजेंट टाइम में ये प्राइस वेरी कर रहा है, कभी 799 रुपीज रह रहा है, कभी 899 रुपीज रह रहा है, कभी 950 हो जा रहा है, ये प्राइस जो है वेरी करता रह रहा है। तो अगर आप 799 रुपीज के आसपास आ रहा है तो आप इसे परचेस कर सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन है मैं आपको बता दूं। और इसमें जो है माइक्रोफोन भी आपको मिलता है और ये नॉइस कैंसिलेशन वाला माइक्रोफोन है। अगर आप भीड़ भड़ाके वाले एरिया में अगर आप रहते हैं या ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर जो है वॉइस जाएगा जिसके पास आप कॉल करते हैं। और जो इसकी साउंड क्वालिटी है वो भी बहुत ही बेहतरीन है। देखिए अब मैं अंदर आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे ईयरफोन सुने हैं, मैंने ईयरफोन सुने हैं। देखिए होता क्या है, जैसे आप, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप जो डीजे है, मत समझिए 7-8 डीजे आपके सामने लगा दिया गया, जो आप देखते होंगे जब शादी पार्टी में जो लगते हैं, 7-8 डीजे आपको लगा दिया गया, जो बड़ा वाला साउंड होता है वो लगा दिया गया, उसके सामने आप डांस कर रहे हैं तो क्या होता है, आपके ईयर पे बहुत हिट करता है, बूम बूम करता है, मतलब मैं तो सह नहीं पाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, उस डीजे के पीछे चला जाता हूँ तो जो आवाज है वो काफी अच्छी आती है। तो ऐसी आवाज इसकी है, कभी आप ये नोटिस करिएगा, कभी आप पार्टी में जाइएगा तो आप उस डीजे के पीछे चले जाइएगा तो आप देखिएगा कितनी अच्छी जो है आपको आवाज आती है, बेस जो है आपको परफेक्ट लगेगी, साउंड भी अच्छी लगेगी और जो आपके ईयर पे जो वो आवाज हिट नहीं करेगी। तो यही सेम चीज इसके साथ, इस ईयरफोन के साथ काफी बैलेंस है, काफी परफेक्ट है। मैं आपको बता दूं मुझे ये काफी बेहतरीन लगता है, मैं इसी ईयरफोन यूज करता हूँ। मैं आपको बता दूं लगभग मैंने एक महीना C100SI यूज किया और मैं आपको बता दूं मैंने जो है एक हफ्ते तक जो है MI का बेसिक ईयरफोन यूज किया और मैं आपको बता दूं 150 सोनी MDR 150 यूज किया और सोनी MDR XB55 यूज किया, JBL T110 यूज किया। तो ये सारे यूज किया, उसके बाद भी मैं आपको बता दूं मुझे वो उतनी पसंद नहीं आया, मैं घूम फिर के फिर इसी पे आ जाता हूँ। तो कुछ दिन बाद मैं फिर इसी पे आया था क्योंकि ऐसा साउंड मुझे नहीं दे पाता है कोई भी ईयरफोन, वो मेरे ईयर पे जो है बेस जो है थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा बूम बूम करता है, मुझे वो नहीं चाहिए बूम बूम, वो मुझे बैकग्राउंड में जो है बेस चाहिए। बेस मुझे पसंद है, ऐसा नहीं है बेस मुझे नहीं पसंद है, मुझे वोकल सिर्फ पसंद है, बेस मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन वो बेस मेरे ईयर पे हिट नहीं होना चाहिए, जैसे आवाज हिट नहीं होती है ईयर पे, तो जिसके कारण से मैं इसे पसंद करता हूँ। आप कभी भी एक बार, कभी भी आप सोनी के शोरूम में चले जाइए और इस ईयरफोन को आप एक बार एक्सपीरियंस करिए और बाकी ईयरफोन से आप कंपैरिजन करिए, आप समझ पाएंगे कि अंतर क्या है। देखिए मैं कस्टम इक्वलाइजर का इस्तेमाल करता हूँ जिससे मेरी साउंड क्वालिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आई लिंक पे आपको जो है ये जो है मिल जाएगा, आई लिंक पे कैसे इसे जो है अपने आप से जो है इसे कस्टमाइज करना है कि आपकी साउंड जो है और अच्छी आए, क्योंकि बहुत लोग का ये शिकायत होता है कि सोनी MDR ईएक्स 150 एमपी जो बेस है वो कम आता है।
तो ऐसा नहीं है, आप अपने आप से जो है प्ले स्टोर से आप इक्वलाइजर डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप उसे सेट कर लीजिए जैसा भी आप सेट करना चाहते हैं। मैं उसे सेट करके सुनता हूँ और बहुत ही शानदार आवाज आती है। मैं आपको बता दूं मेरा एक साल का एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही शानदार रहा। तो ये काफी पसंदीदा मेरा ईयरफोन है, मैं इसे ही यूज करता हूँ। बहुत सारे देखेंगे मैंने ईयरफोन के रिव्यू किए, लेकिन वो रिव्यू मैं करता हूँ और उसे एक आध हफ्ते 10 दिन सुनता हूँ, लेकिन मैं अल्टीमेट जो मेरा पसंदीदा ईयरफोन है वो यही है सोनी एमडीआर 150 एपी, मैं इसे ही सुनता हूँ। तो ये सारी चीजें थी इस ईयरफोन के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद।